अलायंस होगा 5 साल के लिए होगा, हमको 2 साल मेयर चाहिए, 3 साल डिप्टी मेयर चाहिए, डेवलपमेंट के अंदर हमारा शेयर चाहिए, ऑप्शंस। बीजेपी के साथ हमारा जहर नहीं है, बीजेपी के साथ हमारा नहीं जमता, ये मैं अपने मुंह से बोला नहीं, आवाम भी जानती है, कांग्रेस के लीडर्स भी जानते हैं, बीजेपी भी लीडर्स जानते हैं, आप भी जानते हैं। इफ कांग्रेस डज नॉट स्पीक टू विद आवर लीडर एचडी कुमारस्वामी, देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द स्टेट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। If they do not meet Kumarana, if they do not show the respect to our leader, then there is no point that we are going to align with Congress. हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम दोनों को भी वोट नहीं देंगे। Respectful alliance होना चाहिए, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं ऑफिशियल का, आई रिप्रेजेंट दी पॉलिटिकल पार्टी, आई रिप्रेजेंट सेकुलरिज्म की जीत बताया है और दावा किया है कि जेडीएस हमारे साथ है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात किया ऐसा पूरे फुल कॉन्फिडेंस से, शिवप्रकाश पाटिल जिस तरह से फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे जेडीएस हमारे साथ है, क्या वाकई जेडीएस कांग्रेस के साथ है आज की तारीख में? आपका सवाल कांग्रेस के किसी लीडर ने कहा कि हमारा उनका अलायंस है, क्योंकि मेरी बातचीत मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने से किसी इम्पोर्टेंट लीडर से, किसी कांग्रेस लीडर से ना हम कोऑर्डिनेट किए ना वो हमारे से कोऑर्डिनेट किए, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट से मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के क्लियर था कि उनकी मेजोरिटी है और वो इकतदार में आ रहे हैं। और शरण प्रकाश पाटिल साहब का ये कहना मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शरण प्रकाश का फ़ोन मुझे अभी आप आने से कुछ 15-20 मिनट पहले आया था। शरण प्रकाश पाटिल इससे पहले कभी मुझसे बात नहीं की और ना मैं बात किया, अलबत्ता प्रियांक खड़गे डॉक्टर अजय सिंह ने मुझसे तकरीबन 3-4 महीने पहले जो बातचीत की थी वो बातचीत मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऑफ द रिकॉर्ड और अनऑफिशियल कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अहम मरला ये है कि हमारे लीडर कुमारस्वामी साहब से कांग्रेस का ऑफिशियल लीडर है वो अभी तक नहीं है। मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन के बाद शुरू होगा बातचीत होगी, कल इंशाल्लाह ताला आप होगी और गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए क्या इंतजाम उठा सकते हैं वो। सर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल का ये भी कहना है कि जो जेडीएस के सुप्रीम लीडर है हस्ती देवगढ़ से और जो इलाके के जो बड़े लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनके दरमियान बातचीत हो रही है, खड़गे साहब और देवगढ़ के दरमियान बातचीत हो रही है, तो इसके देखिए ये पुरानी चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हमारे पार्टी सुप्रीमो हमारे लीडर हस्ती देवगढ़ से फोन पे बात की, ये कब बात हुई? इलेक्शन होने के बाद। उसके बाद क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ के लोकल मेंबर गुलबर्गा के वो एक्स लोकसभा मेंबर हैं, उन्होंने गुलबर्गा के इश्यू को लेकर के बात की फोन पे बात की। उसके बाद में कोई भी स्टेट का लीडर होना ये चाहिए कि फोन पे बात करने के बाद कोई उसका फॉलोअप करे, देवेगौड़ा जी तो यहाँ पर बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते, कोई जाकर के हमारे जो स्टेट के लीडर हैं एचडी कुमारस्वामी साहब उनसे कोई केबीसीसी का प्रेसिडेंट मुलाकात करे, एचडी डीके शिवकुमार जाके बात कर सकते हैं, सिद्धरामैया जी बात कर सकते हैं, बात करके बैठ के क्या टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि देवेगौड़ा जी और खड़गे जी बैठ करके टर्म्स कंडीशंस बात करेंगे, मेयर किसको देंगे डिप्टी मेयर, ये थोड़ी वैसे हुआ। फोन पे एक कर्टेसी कॉल हुई, दोनों नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, दोनों बहुत बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं, आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि देवेगौड़ा जी आके डिक्टेट करें या खड़गे साहब, हालांकि वो एमपी हैं, कभी गुलबर्गा के मेयर इलेक्शन में वोट नहीं किए क्योंकि वो उनका स्टेचर बड़ा है, वो राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये बात हुई है, उसके बाद से लेकर के ये तकरीबन इलेक्शन होने के 7 दिन के बाद हुआ, उससे लेकर अब तक कुमारस्वामी साहब से किसी ने भी मुलाकात, शायद उसकी वजह ये भी हो सकता है कि वेट कर रहे हैं, अगर होता है तो कुमार स्वामी साहब क्या कर सकते हैं। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शरण प्रकाश पाटिल साहब ने दावा किया कि नासिर हुसैन उसका फ्री टचअप में है, देखिए डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब का दावा मुझे
मैं डॉक्टर चरण प्रकाश तिवारी साहब की हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। चरण प्रकाश जो है मुझसे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद मैं बना। तो चरण प्रकाश के क्या क्या दावे हैं वो मैंने उस वीडियो को भी नहीं देखा, आपको मुझे सुन रहा हूँ कि चरण प्रकाश तिवारी साहब किस कैपेसिटी से बोल रहे हैं, क्या है। आज कांग्रेस में शायद आप लोग उनसे बात निकाल रहे हैं, एज ए ऑफिशियल मुझसे किसी से बातचीत। इस इलेक्शन का हमारा मकसद क्लियर है, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, गुलबर्गा का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे कॉरपोरेटर्स का पावर आना चाहिए, ये दो चीज़ों को लेकर। क्या मेयर का डिमांड करेंगे आप? तो पुराना डिमांड किया है ना, जो भी अलायंस होगा 5 साल के लिए होगा, हमको 2 साल मेयर चाहिए, 3 साल डिप्टी मेयर चाहिए, डेवलपमेंट के अंदर हमारा शेयर चाहिए। हम 4 लोग नहीं हैं, हम गुलबर्गा के अंदर 55 वार्ड के अंदर हमारे उम्मीदवार रहे हैं, उन उम्मीदवारों को उन कैंडिडेट्स को अपने अपने एरिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए हिस्सेदारी मिली। देखिए हमारा डिमांड आप उसको दो ही ऑप्शन है, रेस्पेक्टफुल अलायंस होना चाहिए, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं। ऑप्शंस बीजेपी के साथ हमारा जहर नहीं है, बीजेपी के साथ हमारा नहीं जमता, ये मैं अपने मुंह से बोला नहीं, आवाम भी जानती है, कांग्रेस के लीडर्स भी जानते हैं, बीजेपी भी लीडर्स भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसका ही जो है हमें खामियाजा हो उठाना पड़ा। जैसा भी बता रहे थे, इफ अगर से बीजेपी आपको इफ कांग्रेस डज नॉट स्पीक टू विद आवर लीडर एच डी कुमारस्वामी, इफ देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द स्टेट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस, इफ दे डू नॉट मीट कुमार अन्ना, इफ दे डू नॉट शो द रिस्पेक्ट टू आवर लीडर, देन देयर इज नो पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू अलायंस विद कांग्रेस। हमको गुलबर्गा के हमारे लीडर के सेल्फ रेस्पेक्ट से ये गुलबर्गा के कॉरपोरेशन हमको अहमियत का हामिल नहीं है, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम दोनों को भी वोट नहीं डालेंगे, वी आर नॉट अंडर कंपल्शन, आई एम इन ऑफिशियल पोजिशन। गुलबर्गा शहर का मैं एमएलए डिफिटेड कैंडिडेट, मैं कर्नाटका रियासत का मैं सदर हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं ऑफिशियल बात, आई रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पार्टी, आई रिप्रेजेंट जनता दल सेक्युलर, आई रिप्रेजेंट कुमार स्वामी जी, आई रिप्रेजेंट सूर्यवर। ऐसा ही कोई एक शख्स कांग्रेस का जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑफिशियली हमारे लीडर से बात कर, समझ में आई बात, बड़ी इजी चीज है, डोर्स आर ओपन, टॉक्स आर ऑन।